संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती हो वही प्रभात की नई किरण बनकर निकलता है। इसी के साथ मैं प्रभात प्रो मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, जो कि क्वांट सेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल में से एक है। ये इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं और हर जगह अप्लाई भी होते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके बिना ना आपसे शॉर्ट ट्रिक बनेगा ना ही आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैं बता रहा हूं, SSC के सारे एग्जाम में जैसे CGL, CPO, CHSL, MTS, CSAT, UPSC वाले CSAT भी के लिए इससे प्रिपेयर कर सकते हैं और देखेंगे कि कितने ढंग से एक एक नंबर को यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे इस नंबर को पता करें कि ये 11 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल है या 8 से डिविजिबल है। आप देखने मात्र से ये पता कर सकते हैं कि इस नंबर से ये डिविजिबल है। तो जब ये मालूम हो जाएगा तो बाकी ऑप्शन में भी क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन 4 ऑप्शन होता है, तो वहां से भी पता करके आप ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं और टाइम आपका बच जाएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग अंत तक बने रहे। जैसे कि फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए इसमें आपको बताया गया है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखें। और हाँ, PDF का लिंक टेलीग्राम में सेंड PDF जो टेलीग्राम में दिया रहेगा, या आपको टेलीग्राम का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहां से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें और PDF ले सकते हैं। और सेशन अच्छा लगे तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें और लाइक करते रहें और एक दूसरे को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ ए नंबर इज इवन और ए नंबर इज होल, लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर। कह रहा है कि नंबर इवन होना चाहिए या लास्ट डिजिट जो है 2, 4, 6, 8 और 0 को इंक्लूड किया हुआ है आखिरी में, मतलब स्टार्टिंग में ही आखिरी में। इट्स ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। अगर हम इतना भी कह दे इफ ए नंबर इज इवन, अगर नंबर सम हो, हिंदी वालों इवन को सम कहते हैं, तो यहां पर आप सम आखिरी डिजिट सम हो तो आप वहां से पता कर सकते हैं 2 का डिविजिबल। जैसे कि 10, 12, 14, 16, तो आप देखिए यहां पे आखिरी में 2 यहां पे इंक्लूडेड किया हुआ है, आखिरी में इवन नंबर। ये हम देखते हैं, जैसे कि आप यहां पे 5, 2, 5, 4, 2, 6, 3, 4, अब देखें आखिरी में कौन सा डिजिट है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा किसी भी कंडीशन में। तो 2 के लिए आप जान गए। अब चलिए 3 के लिए धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए, धीरे धीरे हाथों और पेनों को के मदद से आगे बढ़ते हुए, तो 3 के लिए देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 स्टेट दैट ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मतलब जो भी नंबर दिया रहे हैं आपसे, जो भी नंबर कोई दिया रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 4, 5, 6, 7, 8, 2 कुछ भी एनीथिंग, मैं नहीं जानता हूं कि क्या आने वाला है इसका रिजल्ट, लेकिन कह रहा है कि सारे डिजिट का सम। तो एक बार सम करके देख लेते हैं, 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 8, 30, 2, 32,
और इन दोनों का सम 5। ये देखिए 5 के टेबल में नहीं आता है, सम 5 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन यही आप अगर 32 आया, अगर 1 होता है यहाँ पे 1, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, 1। अब देखिए यहां से 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 8, 22, 8, 30, 30, और यहां पे 3 होता, 3 माफ कीजिएगा 1 लिख दिया, 3 होता तो 33 आपको दिख भी रहा है, और ऐड करने पे 6 आ रहा है जो कि 3 के टेबल में आता है, इसे डिविजिबल होगा। तो आप ऐसे करके आप 2, 4, 10 नंबर को आप चेक करें खुद से कि सम करने पे 3 के टेबल में आता है वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन के रूल के साथ आगे बढ़े। जैसे कि कह रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के लिए चेक करना है, 4 के लिए इफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 4, देन दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड इट इज डिविजिबल बाय 4 कंप्लीटली। कहने का मतलब ये होगा कि ये तो रूल हो गई, लिख दिया है, आप देखिए जैसे कोई भी नंबर हो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, आपसे कह रहा है कि चेक कीजिए आप। आपको जब आप छोटे थे, चाहे हम लोग सब छोटे थे, तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे कि पता करते थे कि क्या होगा। अब वो वाली बात नहीं रह गई कि अब हम एग्जाम में बैठे हैं और इस नंबर को डिवाइड करें, तो हमसे क्या कर रहा है कि लास्ट 2 डिजिट नंबर को चेक करें, यही आखिरी 2 डिजिट नंबर को चेक कर रहे हैं। तो देखिए 4 के टेबल में 32 आता है, 32 आता है, तो आंख बंद करके ये 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल 5, 6, 2, 3, 4, 5, 1, अब आखिरी का 2 डिजिट है उसको हम चेक करते हैं, 51, जो कि 4 के टेबल में नहीं आता है, तो आप बेझिझक क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं होगा तो नहीं होगा। अब इससे आप हाँ इतना कर सकते हैं आप। चलिए 4 के लिए तो हो गया, अब 5th के लिए देखते हैं। 5th के लिए कंडीशन क्या है कि लास्ट के डिजिट में, जैसे कि 10, 2, 5 कुछ इस टाइप का, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 5, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 0। देखिए ये कह रहा है कि आखिरी में 0 हो और 5 हो, तो आप बेझिझक बिना हेजिटेशन के आप ये बता सकते हैं किसी भी लोगों को, या अपने एग्जाम में टिक कर सकते हैं कि 5 से डिविजिबल। देखिए 5 है आखिरी में, 0 है, 5 है, हमको इतने नंबर देखने की जरूरत ही नहीं, हम वो आखिरी देखें और आगे बढ़ते गए। तो ये 5 के लिए हो गया। चलिए 6 के लिए देखते हैं, 6 के लिए देखते हैं। तो 6 में देखिए, ये तो कहानी है, आप लोग कहानी पढ़िए, और 6 के लिए क्या होता है कि फैक्टर निकालिए 2 और 3 का। देखिए 2 और 3 इसका फैक्टर होता है 6 का। अब देखिए, अब 2 के लिए हमने मैंने बताया ही है कि आखिरी में इवन नंबर होना चाहिए और उस नंबर का सम 3 के डिविजिबल में, 3 के टेबल में होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जांपल 5, 6, 2, 3, 1, 4। अब देखिए आपको 6 से चेक करना है, तो यहां आखिरी में चेक किए, ये इवन नंबर है तो 2 से तो हो जाएगा ऑलरेडी, 2 से, अब बचा 3 से। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब सबका ऐड करेंगे,
और चेक करेंगे, सम करेंगे और पता करेंगे कि उसके टेबल में है कि नहीं है। जैसे 4 1 5, 5 3 8 2 10 16 और 5 21, 21 21 3 के टेबल में है, तो ये कंपलसरी है कि ये 6 से होगा ही होगा। तो आप एक बार घर पे इस डिजिट को 6 से डिवाइड करके पता करें कि मैं सही बोला हूं या गलत बोला हूं। आप जब पता करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सही है। तो एक बार आप आखिरी में देखें कि इवन नंबर है 6 के लिए और 3 के लिए आप सम कर दें, सम करें और पता करें कि वो उस टेबल में लाइक करता है कि नहीं करता है। तो यहां से भी आप 6 के लिए समझ गए। अब 7 के लिए काफी इंटरेस्टिंग है, आप 7 के लिए भी देख सकते हैं। 7 के लिए एक अच्छा खासा, 7 के लिए ज्यादातर कोई नहीं बताता है लेकिन जानना जरूरी है। हालांकि कभी कभी बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं जिससे हमको नहीं मालूम चल पाता है कि ये नंबर है किस लिए, कि कौन से किसके लिए, तो यहां से हम पता कर सकते हैं। तो 7 के लिए सबसे पहले क्या किया है, इस रूल को समझिए और इस रूल को कंप्लीटली समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पे कह रहा है कि रिमूव द लास्ट टू डिजिट, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड डबल इट्स, मतलब कह रहा है कि लास्ट डिजिट को रिमूव करना है और उसका डबल करना है, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, और जो बचा नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इफ इज द नंबर जीरो और रिकॉग्नाइज टू डिजिट मल्टीपल ऑफ 7, और वही प्रोसेस को दोहराना है और उसके बाद चेक करना है कि ये 7 के मल्टीपल है कि नहीं है। दो बार स्टेप, फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर उठाते हैं, जैसे नंबर उठाए और नंबर उठाए जैसे कि 2 4 5 7, ये नंबर हो गया। अब क्या करेंगे, इस नंबर को रिमूव करेंगे, रिमूव कर दो 4 5 और डबल करेंगे 14 2, अब घटाते हैं 1 3 231, फिर प्रोसेस को दोहराएंगे, इस नंबर को रिमूव करेंगे 23 और इस नंबर को डबल करेंगे 21। अब चेक करेंगे कि ये 7 में डिविजिबल है कि नहीं है, तो यहां से आप पता कर दीजिए, जैसे कि 7 3 21 ये उसके टेबल में लाइक करता है, तो ये इस ये नंबर जो है 2 4 5 7 पता कर सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है। मैं ऐसे ही लिख दिया था और हो भी गया, जैसे कि कुछ और नंबर को चेक करते हैं। तो आप इस फॉर्मेट को स्क्रीनशॉट ले लें या टेलीग्राम में लिंक रहेगा वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरे पीडीएफ को। तो मुझे लगता है कि टेलीग्राम वाला ही सही रहेगा। तो चलिए कुछ और नंबर से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 3 2 3 0 2 4, ये नंबर हो गया, छोटा सा नंबर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों समझने की कोशिश करते हैं। तो इस नंबर का क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, रिमूव कर दिए 3 2 4 और इसका डबल करेंगे, डबल कर दिए तो फिर देखते हैं 4 9 2, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगेन इस नंबर को रिमूव करेंगे 2 9 और इसका डबल करेंगे 8 21, फिर से डिविजिबल हो गया, 7 के टेबल में आता है। मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऐसे आप कर सकते हैं। मुझे मतलब ये नहीं मालूम कि नंबर डिविजिबल था, मैं ऐसे ही ले लिया था, आपके सामने ही वीडियो शूट हो रहा है तो आपके सामने ही मैं ऐसे नंबर ले लिया था, मुझे याद भी नहीं है। तो चलिए कुछ और नंबर को लेते हैं, तो जैसे कि रेंडम नंबर ले लेते हैं 5 0 2 3 4, इस टाइप का नंबर। देखिए जितना बड़ा जितना बड़ा डिजिट रहेगा उतना कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी बनता जाएगा। तो क्या करेंगे, इस नंबर को फर्स्ट क्या करेंगे, इस डिजिट को रिमूव करेंगे 5 0 2 3 और डबल करेंगे, डबल कर दिए तो माइनस करते हैं 5 और 15, फिर इस नंबर को रिमूव करेंगे 501 और डबल करेंगे 10, तो कितना आएगा 491। और देखिए कहने का यह सेंस हुआ कि आप तब तक, मतलब आप छोटे डिजिट, ये जो नंबर है आप यहां से भी आप पता कर सकते हैं एक बार डिवाइड करके, लेकिन क्यों पता करें, फिर से एक बार अगेन प्रोसेस करते हैं। तो 491 है,
491 है। तो जब तक आप ऐसे प्रोसेस अप्लाई करते रहें, जब तक आप उस नंबर को छोटा ना कर दें, 491 है, 491 को फिर से हम एक को रिमूव किए, रिमूव किए और डबल किए तो 447 आ गया। आप यहां से आप पता कर सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप इजिली जैसे कि 746 और 749 ये नहीं है, तो ये जो नंबर हम लिखे थे ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो आप एक बार क्या करें, 7 से डिविजिबल जो जनरल आप यूज करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं 0, 5, 2, 3, 4, तो आप एक बार ऐसे कर सकते हैं और चेक करेंगे कि वाकई में सही है कि नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताएं, तो मैं कमेंट का जवाब दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। और कल जो सेशन होगा इसका, तो उसमें क्वेश्चन आएंगे, और देखिएगा लगातार जो SSC के एग्जाम है ये पिछले 2 साल से, और RRB NTPC RRB ALP में लगातार इससे क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किया गया है, और 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही गया है। तो आप कृपया यहां तक देख लिए हैं तो और आगे देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आने बाकी हैं। तो और साथ ही साथ शेयर भी करें वीडियो को, और लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स अपने भाई बंधु को शेयर करते रहें। तो चलिए 8 के लिए पता करते हैं, 8 का रूल क्या है। और ये तो आपको कहानी पढ़ लीजिएगा, कहानी पढ़ने में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जैसे कोई नंबर लिए 2, 4, 3, 9, 2, 1, 8। अब आखिरी का 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, 2 में क्या था आखिरी का फर्स्ट डिजिट, 4 में क्या था आखिरी का 2 डिजिट, और आखिरी का 3 डिजिट 8 में, जैसे कि ऐसे चला आ रहा है 1 का 2, 2 के पावर 2, 4, 2 के पावर 3, तो 8 ये जो पावर है उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं 8 के लिए, 2 के लिए 2 का पावर। तो यहां पर देखिए 21 से चेक करेंगे, 18 हमें नहीं मालूम है, तो 8, 8 दूनी 16, 5, 8, 17, 56, 2 रिमाइंडर आया, नहीं होगा। लेकिन कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 56 आया, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 2। अब इसको चेक करते हैं, 6 यहां डाल लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। देखिए यही से मान चलेंगे 8, 9, 6। अब 8 से तो कट जाएगा, बचा 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, और 16 हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो यही से आपको मालूम चल गया कि इतना नंबर को आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और इतने बड़े नंबर को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 8 से डिविजिबल है। इससे इसके क्वेश्चन आता है, आपको मैं कल बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन मैं बता भी दूं कि एक छोटा सा डेमो आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन उसे पूछा कैसे जाता है। जैसे कि आपसे पूछेगा 2, 3, 5, 6, 8, 9, 2, यहां पे कौन सा डिजिट पुट करें कि जो कि 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो आप 4 ऑप्शन दिया रहेगा, या आपके पास इसको करने के लिए आपके पास रूल मालूम है, यहां पे क्या वैल्यू पुट करें कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, बस 3 को चेक करें और आंसर पाए, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कल के सेशन में क्वेश्चन सेशन रहेगा, उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 9 के लिए, जैसे 3 था वैसे ही 9 के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, और आप 3 का भी वैसे ही कर सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, तो आप जैसे 3 को ऐड करना बताए थे वैसे ही इसको भी देखें और समझने की कोशिश करें। जैसे कि 2, 4, 5, 7, 9, इतने बड़े नंबर को आप चेक करेंगे
तो चेक करते रह जाएंगे एग्जाम में और कुछ होगा भी नहीं। तो क्या करेंगे, इन सब डिजिट को क्या करेंगे, नाइन के मल्टीपल में ले जाएंगे। जैसे नाइन के मल्टीपल में इन दो डिजिट को ऐड करके किसी भी दो डिजिट को ऐड करेंगे या तीन डिजिट को और नाइन के मल्टीपल में ले जाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि टू और सेवन को मल्टीप्लाई ऐड किए तो नाइन हो गया, तो ये कट गया, इसको हटा दिए। फोर और नाइन ऐड करने पे नाइन बन जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी नंबर यहाँ पे गिवन है वो नाइन से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे 5, 6, 7, 2, 3, 4 देखिए। यहाँ पे आप नाइन के दो किसी भी डिजिट को ऐड करें और नाइन के मल्टीपल के पास ले जाने की कोशिश करें और चेक करें। जैसे कि टू सेवन और टू ऐड करने पे नाइन हो जाता तो इसको हटा दें, रिमूव कर दें। थ्री और सिक्स ऐड करने पे नाइन हो जाता इसको हटा दें। फोर और फाइव को ऐड करने पे नाइन हो जाता, ये भी नाइन से डिविजिबल होगा। ठीक, इसका कहने का, इतने बड़े नंबर कहने का मतलब ये होगा कि ये कंप्लीटली नाइन से डिविजिबल है। आप चाहें तो ऐड करके भी पता कर सकते हैं। जैसे कि टू प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस फाइव सिक्सटी प्लस सेवन ट्वेंटी थ्री प्लस नाइन ट्वेंटी दो दो प्लस चार छ प्लस पांच ग्यारह और सात अठारह और नौ सत्ताईस। देखिए 27 ये ऐड करने पर मालूम हो रहा और ऐसे करने पर भी मालूम चल जा रहा है जो कि नाइन के कंप्लीटली डिविजिबल हो सके। तो आपको नाइन का भी रूल समझ में आ गया होगा। तो चलिए टेन के लिए देखते हैं। टेन के लिए जैसे कि फाइव का किए थे वैसे ही टेन के लिए हो गया। तो आखिरी में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए टेन के लिए, फाइव नहीं होना चाहिए। फाइव होगा तो होगा भी नहीं, जैसे कि 50001। अब देखिए 115 यहाँ पे फाइव आ गया, तो टेन तो होगा नहीं। तो आखिरी में कंपल्सरी कि जीरो होना चाहिए, तो टेन के लिए हो जाएगा एटलीस्ट वन डिजिट। अब 11 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और शायद आखिरी क्वेश्चन भी तो सबसे इंपॉर्टेंट है 11 के लिए। तो चलिए 11 के लिए भी करते हैं कुछ काम। हाँ, तो 11 के लिए हो गया। जैसे कोई नंबर है तो आप लोग कहानी पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरा सोल्व करने का कुछ अलग टेक्निक है। 5, 6, 7 अब देखिए इसको आप लोग ऑड और इवन में डिवाइड कीजिए, सम और विषम में सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और देखिए ऑड को ऑड के पास, इवन को इवन के पास, ऑड को ऑड के पास, इवन को इवन के पास। ऑड ऑड एक साफ कर लिए, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, इवन इवन ठीक है। अब देखिए ऑड 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 ये हो गया। इन सब को ऑड वाले को एक साथ ऐड कीजिए, 2 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 कितना होगा 16। अब इवन वाले को ऐड कीजिए, 3 प्लस 4 7 7 प्लस 6 13 और इन दोनों में माइनस कीजिए, देखिए 3। अगर यहां पे 3 आ गया लेकिन यहां पे 0 आता है या 11 का मल्टीपल में आता है, 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए या 44 आ जाए, तो वो 11 का डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल हो गया, 11 से भाग लग जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे 0 और 11 के 11 के अलावा कोई भी नंबर आए तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या कीजिए, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो,
दस बारह डिजिट का नंबर हो तो आप क्या कीजिए, पहले दोनों डिजिट को सेपरेट कीजिए, ऑड को ऑड के पास, इवन को इवन के पास ऐड कीजिए और उसमें से माइनस करने की कोशिश कीजिए। माइनस करने पे जीरो आ जाए या इलेवन आ जाए, जब जीरो या इलेवन आ जाए तो ये समझ लीजिए कि वो इलेवन से डिविजिबल है, और नहीं आए तो ये समझिए कि वो इलेवन से डिविजिबल नहीं है। तो इसी के साथ इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, तो आप कल के सेशन को मिस ना करें। चलिए एक और एग्जाम्पल भी शायद मैं सोच रहा हूँ बता ही दूं, जैसे कि सोच रहा हूं 9 9 4 5 3 2 1। अब ये ऑड को ऑड को ऐसे कीजिए आप, इवन इवन को इवन के साथ सबको ऐड कीजिए, इनको इनको ऐड कीजिए, 9 5 13 9 5 14 2 16 माइनस 1 3 4 4 8 8 आया यहां पे, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। आप करके देखिए, कोई भी नंबर रैंडम उठा लीजिए, आप चेक कीजिए उसके मल्टीपल में है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसी के साथ आप लोग अगर पसंद आए तो 2-4-10 लोगों को वीडियो को फैलाइए, एक एक लोग और दो दो लोग 3-3 लोगों को भी कह दें कि सब्सक्राइब करें, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो इसी के साथ चलिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, और टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।